मेरे लिए जिंदगी एक स्ट्रगल आ, मेरे लिए एवरीडे स्ट्रगल आ, हर रोज़ कुछ नवे हर्डल्स है जोड़े मैनू पार करने पैंदे आ। तो मैं यही लगता है भी थोनू गिव अप नहीं करना चाहिए। मैं जो हूँ अज इत्थे पहुंची हाँ, जे मेरे जिंदगी इन्ने हादसे होए, जो उन्होंने एक भी स्किप हो जाता, एक भी चीज़ मिसिंग होंगी, मैं इतने नहीं सी पहुंचना जिथे मैं होना। सो मैं उन्होंने लोगों को भी मतलब उन्होंने भी थैंकफुल हाँ, वो सारे हादसों लिए भी मैं कोई रिग्रैट नहीं है कि मैं जिंदगी जोड़े फैसले ले मैं क्यों ले क्यों ने, क्योंकि वो होना सी, जो होना सी तो मैं इतने पहुँचना सी, जो उन्होंने कुछ भी मनफी हों मैं इतने नहीं पहुँचना। सो मैं एक बहुत पॉजिटिव तरीके लैनी हाँ और मैं बहुत थैंकफुल हाँ कुदरत का, उन्होंने सारे लोगों का, वो सारे हादसों का जिन्होंने मैनू रूपेश्वर कौर तो रूप खटकड़ बनाया। मेरा नाम रूप खटकड़ है, तो मैं एक आर्टिस्ट हाँ, तो मैं इस वेले लंडन च रह रही हूँ। मैं पटियाले तो बिलोंग कर रही। रूप खटकड़ एक जिंदा दिल कुड़ी है, जो करना चाहती है वो करती है। तुसीं ये भी कह सकते हो कि एक बागी किरदार की कुड़ी है, एक स्ट्रोंग कुड़ी है। मेरा बचपन बाकी बच्चों नालों बहुत डिफरेंट सी। जिस वेले जिहड़े बाकी बच्चे हैगे आ, उह उस एज दे विच 3-4 साल दे, 5 साल दे, छोटे अपने चाइल्डहुड दे विच बच्चा अपने मतलब गुड्डियां पटोलियां नाल खेडदे आ, तां उस वेले मैं अक्सर अपने पेरेंट्स दे नाल डेमोनस्ट्रेशन ते जांदी हुंदी सी, प्रोटेस्ट ते जांदी हुंदी सी। मेरे मदर एक विमेन ऑर्गनाइजेशन नूं चलाउंदे सीगे जिहदा नाम सी नारी चेतना मंच, ते उहदे विच होण करके उह बहुत सारे जिहड़े केसिस सीगे औरतां दे नाल जुड़े हुए उहनां नूं हैंडल करदे सीगे। ते फिर अक्सर उह मैनूं अपने नाल लैके जाणा किते ना किते, किसी कोई औरत पीड़ित औरत हैगी आ उन्होंने घर जाना, किसी केस वाले किसी विजिट करना उत्थे जाना, तो मैं अक्सर उन्होंने नाल जाती हूँ। सो मेरा बचपन जोड़ा है बहुत डिफरेंट सेगा। तो दूजा क्योंकि मेरे फादर एक कम्यूनिस्ट ने गे, उस लहर ना जुड़े होने करके, सो होर बहुत सारिया चीज़ा जड़िया दिक्कत वो मेरे लिए डिफरेंट सी बाकी लोगों। जो मैं छोटी सी तो मेरे मदर जोड़े है पटियाला यूनीवर्सिटी के जॉब करते, तो उन्होंने जोड़ा ऑफिस सेगा वो पटियाला थिएटर डिपार्टमेंट जोड़ा है यूनीवर्सिटी के, वो तो उत्ते सेगा मतलब फस्ट फ्लोर पर सेगा। तो अक्सर जो स्कूल में छुट्टी होनी तो मैं थिएटर डिपार्टमेंट चले जाना, तो उत्थे बह के कदे कोई नाटक चल रहा होना तो मम्मी नाल कदे वो देखना, या कदे रिहर्सल चल रही होनियाँ तो वो देखनिया। सो मतलब मेरे दिल च छोटे हुंदे उन्हां नूं देख के थिएटर डिपार्टमेंट की जिहड़ी खुशबू सी, जिहड़े उन्हां दे कॉस्ट्यूम सीगे या वो जो कुछ करदे सी, वो देख के मैनूं इदां लगदा सी मैं भी यही करना। सो लेटर ऑन जिहड़ी इह वो जिहड़ा चीज़ सी वो फिर उदां नहीं रही, एक गैप आ गया सी, पर स्टिल हुण मैं उस लाइन ते। जलंधर दूरदर्शन ते एक नाटक सीगा मतलब सीरीयल सीगा जिहदा नाम सी भागां वालियां, सो उहदे विच मैं काम कीता सी, छोटा रोल सी पर पहला मेरा प्रॉपर सीरीयल उही सी। जिंदगी विच मैनू यह लगता हुंदा भी मैं बहुत बहुत सारिया चीज़ां देखियां, बहुत सारे हादसे जिहड़े हैगे आ जिन्हां ने मैनू हुण इत्थे तक पहुँचण ते मजबूर किया। बहुत कुछ होया लाइफ दे विच, मेरा ब्रदर सी मेरे तो छोटा, तो मेरा इक्को एक ब्रदर सी, तो 2013 विच उहदी एक्सीडेंट डैथ हो गई, तो वो मेरे काफ़ी क्लोज सेगा, तो मेरा बहुत प्यार से उन्हें स्कूले छड़ के आना सारा कुछ करना, तो उहदी डैथ ने मतलब मैनू काफ़ी अंदरों तोड़ दिता सेगा। तो पर जड़ी मतलब दुखदाई चीज़ यह हुई कि मैं उहदी डैथ ते उहदे संस्कार ते इंडिया नहीं सी आ सकी, कुछ ये कारण सेगे। फिर उस तो बाद मतलब मैरिज का ब्रेक होना, सो ये चीज़ मेरे ना एक बार नहीं मेरे ना 2 बार हुई, सो उस चीज़ ने भी मैनू कितना कितने ट्रॉमेटाइज़ किया। सो उस तो बाद की कहिंदे हैगे, मेरे मदर कैंसर नाल पीड़ित सीगे, तो मैं ये सोचा कि मैं अपने ब्रदर नूं तां मिल नहीं सकी, तो मैं अपने मदर नूं मिलन आई। 3 महीने मैं इंडिया रही दोनों बच्चों के नाल, तो उस तो बाद जो मैं वापस आनी हाँ तो फिर मेरे मदर इन लॉ की डैथ होंगी है मई दे विच, उन्हां दा संस्कार किया। अगले महीने मेरे अपने मदर की डैथ होंगी है, फिर उन्हां दा संस्कार करन इंडिया आई। फिर वापस आई तो कुछ यहोजे कारण होए, सैपरेशन हुई तो असी होमलैस हो गए मैं ते मेरे बच्चे, तो फिर बैड एंड ब्रेकफास्ट के इधर उधर बहुत सारिया जगह पर रहन तो बाद फाइनली मैनू 2 बैडरूम का फ्लैट मिलया। तो फिर उस तो बाद मतलब ये सारी जी जर्नी सी मेरी स्ट्रगल की जर्नी सी, तो मेरे को मतलब मैनू यह महसूस हों भी मेरे को एक मिनट भी नहीं सी ब्रेक के
मतलब अपने आप को महसूस करन दा भी मैं हैगी हाँ कि नहीं हैगी, मैनू ये कि हुण यह हर्डल आ गई इनू क्रॉस करना, यह हर्डल आ गई ये क्रॉस करना। और मैं ये सोचती हुंनी आ भी मतलब कि जदों थोड़े कोल बच्चे हुंदे ना और तुसीं एक सिंगल पेरेंट हुंदे हो तो फिर थोड़े को लाइक बीमार होने का भी टाइम नहीं है। मतलब मैं ये सोचा कि हाँ मैं घड़ी पै जा, मेरे को टाइम नहीं है। मैं ये सोचा कि जो मैं बीमार हो जा, मैं बुखार चढ़ जाए तो मैं रैसट कर सकता, नहीं, मेरे को डिप्रैशन नाम की चीज़ के लिए भी कोई टाइम नहीं है। पर यस, आई हैव बीन थ्रू डिप्रैशन, एनजाइटी हुई बहुत सारी, स्टिल कितने कितने वो फेजिज आते, स्टिल मैं फ्लैशबैक्स होंगे, मैं हूँ बहुत सारिया चीज़ा चेते करती हाँ, पर आई नैवर गिव अप। बैड एंड ब्रेकफास्ट का माहौल जिहड़ा सीगा वह मतलब बहुत बहुत मेरे लिए ट्रॉमेटाइजिंग सीगा। ते उहदे विच इह सीगा कि तुहानू कॉमन बाथरूम टॉयलेट्स हुंदे आ, कॉमन किचन हुंदी आ, नाल दे कमरे च शराबी कबाबी नशेड़ी प्रोस्टिट्यूट्स होर किन्ना कुछ हुंदा उत्थे, बहुत सारियां चीज़ां तुहानू नवीं आ जिन्हां दे नाल मैनू लगदा नहीं सी मेरा कदे वाह भी पऊगा, और मतलब इदां मैनू उहदे विचों लंघना पिया। और कई बार इदां दी सिचुएशन हुंदी सीगी कि रात नूं मतलब मैं किते किचन दे विच जाणा भी तां मैनू इह डर हुंदा सी कोई मेरे कमरे दे विच ना वड़ जाए। सो कमरे च कैटल रखी हुंदी सी, उहदे विच गर्म पानी करना, फ्रिज चों ठंडा दुध लैणा ते कोसा करके बच्चों नूं सीरियल बना के देने। सो मतलब बहुत औखा टाइम सी, कई बार टेक अवेज खाना क्योंकि मैनूं ऐ हुंदा सी मैं किचन च वड़ी तां मेरे कोई कमरे च वड़ जूगा, क्योंकि अजीब जे लोग सीगे, अपने अपने हालात नाल जूझदे हुए लोग नाल दे कमरिआं दे विच सीगे, तां मतलब बहुत औखा औखा टाइम सी। कवितावां मैं पहलां लिखदी सी, फिर एक खला जिहा आ गया, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, उस तो बाद मैं लिखिया नहीं। मैनूं लगदा कि जदों मेरे पहले रिलेशनशिप दे ड्यूरिंग मैं काफ़ी कुछ लिखिया, उस तो बाद फिर यह बहुत अजीब जिहा दौर सी क्योंकि स्ट्रगल वाला टाइम बहुत सी, एक तो बाद एक तो बाद एक चीज़ हादसा जिहड़ा होया, तो मैनूं ना तो लिखण नूं टाइम मिलिया ना मेरे अंदर वो चीज़ आई कि मैं किस पर्टिकुलर चीज़ के उत्ते लिखा, क्योंकि बहुत सारा कुछ इकट्ठा हो गया सीगा। फिर बच्चों के रेंदे फिर तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलया। फिर मैं ये सोचा कि मैं लिखण की बजाए लोगों के जो एक्सपीरियंसिस ने, लोगों दी जो कवितावान ने, उन्होंने जबान देव, उन्होंने अपनी आवाज़ देव, है ना। सो मैं वो बोलना शुरू किया क्योंकि मैंने लगे कि जो मैं अपनी कविता जबान दूंगी आप बोलूँगी तो एक एक पर्टिकुलर चीज़ के उत्ते टारगेटेड होगी, एक फोकस पर्टिकुलर चीज़ पर होगा। जे मैं लोगों की कवितावान पढ़ूंगी तो वो डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने एक्सपीरियंसिस होंगे, है ना। सो मैं अपने हिसाब नाल छोटा जिहा अपना सैटअप ला के, अपने डेस्क से अपना टेबल लैंप ला के, छोटा जिहा पिछे म्यूजिक ला के, मैं अपने हिसाब नाल जिन्ना मैं कर सकती सी उस हिसाब नाल अपनी कवितावान बनाने शुरू कीतियां, जिहड़ियां कि मुड़ के लेटर ऑन काफ़ी पॉपुलर भी हुई तो कुछ वायरल होए। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं रूप ते अज जिहड़ी काव्य रचना मैं तुहाडे नाल सांझी करन जा रही हाँ वह जसविंदर खुडिया जी की लिखी हुई है। मेरी कलम नूं गीत दे, मेरे जज्बात नवे कर जा, जा वसल दा चाही दे दे, जा हिजर दी पीड़ भर जा। मैं किन्ना उदास हो जांदा हाँ तेरे बगैर, पानी तो प्यास हो जांदा हाँ तेरे बगैर। कुछ ना बोलां ते कुछ ना सुनावां, इन लोकां दे वांगू गूंगा हो जावां। खतरनाक हुंदी है हर तरह दी भीड़, भीड़ दा कोई चेहरा नहीं हुंदा। कवितावां मैं पढ़दी हुंदी सी चढ़दे पंजाब ते लैंदे पंजाब दियां फेसबुक दे उत्ते, कदे लाइव आके कदे उदां ही वीडियोज़ बना के अपलोड करदी हुंदी सी। सो जिहड़े साडे डायरैक्टर साहब जी चल मेरा पुत्ते, तो उन्होंने फिर मेरे नाल कॉन्टैक्ट किया सीगा, उन्होंने मैंने पूछा कि जे मैं फिल्म करना चाहुंदी आ, तां ना उदों मैनूं ना तां स्टोरी दा पता सी ना मैनूं इह पता सी कि इहदे विच कौन कौन आ कौन कौन नहीं। तो जिदा कि साडी धारणा बनी हुंदी है कि पंजाबी फिल्मां या किसी भी फिल्म लाइन दे विच एक्सप्लोइटेशन बहुत आ, सो मैं किन्ना चिर जवाब नहीं सी दित्ता। तो फिर उन्होंने मैनूं दोबारा पुछया, तां फिर मेरियां फ्रेंड्स ने मैनूं कहा भी नहीं तैनूं जाना चाहिए भी तू जाके देख तां सही भी की हैगा। फिर मैं गई तो मैं देखी उत्थे सच्ची मुची दे कलाकार, सच्ची मुची दे सिमी चाह, सच्ची मुची दे अमरिंदर गिल, तो फिर मैनूं लग्या कि नहीं मैं सही राह दे उत्ते। असल जदों मैं वो फिल्म दे विच सीगी तां क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डेज ते डिफरेंट डिफरेंट चीज़ां शूट होईयां तां मैनूं पता नहीं सी भी रोल इन्ना वड्डा होगा। सो जदों मैं फिल्म की ते जो तो बाद मैं जो तो पहली बार फिल्म देखण गई तो फिर मैनू मतलब रियलाइज़ होया कि नहीं ये कुछ वड्डी चीज़ मैं की है, कोई वड्डी अचीवमेंट आ। उस तो पहला मैंने कोई रियलाइजेशन नहीं सी मैं किन्हां दे नाल काम करन जा रही, मैंने पूछा भी गया तैनू पता तू किहड़े बैनर दे नाल काम कर रही, कौन ने रिदम बॉयज़, मैनू कुछ नहीं सी पता क्योंकि वो मेरा मेरे है ही नहीं सी, वो लाइन नहीं सी। सो मैनू उन्हां बारे कुछ पता भी नहीं सी, बहुत सारिया चीज़ों बारे उस चीज़ दे विच आके फिल्म लाइन दे विच आके मैनू बहुत सारिया चीज़ों का नवीं का पता लगा, मैनू पहला बिल्कुल अंदाजा नहीं सी।
पहला तां किसी ने कोई रैकोगनाइज़ नहीं किया सीगा, क्योंकि उदों मैनूं लगता किसी नूं ज़्यादा पता भी नहीं सीगा, पहली फिल्म सीगी। ते उस तों बाद हुण जदों मैं आई हाँ इंडिया, तां हुण थोड़ा बहुता, क्योंकि हले कईआं नूं पता नहीं, नाम नहीं पूरा पता उहनां दे दिमाग 'च, किते हैगा भी तुहानूं किते देखिआ आ, पर उहनां नूं ऐ नहीं पता भी की नाम है, की सी किरदार, इदां थोड़ा बहुता याद हैगा उहनां नूं। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ 1-2 ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਿੱਲੋ, ਫੱਟੇ ਦਿੰਦੇ ਚੱਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ, ਚੱਲ ਜਿੰਦੀ ਏ, ਅਤੇ ਜੱਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕੈਮਰਾ ਫੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਕੈਮਰਾ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਬੋਲ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰੀਟੇਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਡਿਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਾਲਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਯੈਸ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ੋਪਸ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਸ਼ੋਪਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ੋਪਸ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਸ਼ੋਪਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ੋਪਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਇਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੋਏ ਵਾਪਸ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਦਊਂਗੇ, ਡੋਨੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੋਏ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ, ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲੂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੈੱਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਟਰਗਲ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਓਨੀ ਆ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਦੈਟ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ। ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਆਮ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਸਟੋਪ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਫੁੱਲ ਸਟੋਪ ਉਦੋਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਜੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਸਟੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੜਾਅ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਯੈਸ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ।